नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ शुक्रवार को खंडवा जिले के हरसूद पहुंचे। कमलनाथ ने इस दौरान सीएम शिवराज सिंह पर निशाना साधा, साथ ही अधिकारी कर्मचारी पुलिस भाजपा नेता को भी अपने अंदाज में समझाइश दी। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनावों का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे राजनीतिक बयानबाजियां फीकी होती जा रही है। खंडवा पहुंचे कमलनाथ का बयान तो यही दर्शा रहा है। कमलनाथ ने कहा, सब समझ लें, कल के बाद परसों भी आता है, किसका ठिकाना लगाना है आने वाला समय तय करेगा। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ शुक्रवार को खंडवा जिले के हर्षद पहुंचे हैं और कमलनाथ ने इस दौरान सीएम शिवराज पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने कहा, हमारा प्रदेश अपराध प्रदेश बना है, यह बेरोजगारी में नंबर वन, अपराध में नंबर वन, कानून में और अवस्था में नंबर वन, यह अपने प्रदेश का हाल है। शिवराज सिंह जिनकी झूठ की मशीन चलती है, अब वे डबल स्पीड से चल रही है क्योंकि ये आखिरी 5 महीने बचे हैं। और मुख्यमंत्री की घोषणा को लेकर भी कमलनाथ ने कहा कि ये घोषणाएं करते हैं, ये अपने पाप धो रहे हैं, पर पाप का घड़ा तो भरा हुआ है और ये आज प्रदेश की तस्वीर सबके सामने है। एमपी आज घोटालों का प्रदेश बन गया है, अपराध का प्रदेश बना है, यह हाल इन्होंने प्रदेश का कर दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।